सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो पार्ट में वीडियो लेक्चर में हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन व इंस्टीट्यूशंस के सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप वर्चुअल फॉर्मेट में रूस की अध्यक्षता में किया गया। इस वर्ष इसका सिद्धांत वाक्य क्या था, मोटो क्या था? वैश्विक स्थिरता, साची सुरक्षा, अभिनव वृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी, अभिनव वृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये, क्यों है। तो ब्रिक्स की शुरुआत 2001 में ब्रिक के रूप में हुई थी, जो संयुक्त रूप से ब्राजील, रूस, भारत मतलब इंडिया एंड चाइना के लिए गोल्डमैन सैक द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त नाम था। गोल्डमैन सैक ने दिया था इसका नाम। दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में इसमें शामिल किया गया। इस शब्दांश के पीछे धारणा यह थी कि वर्ष 2050 तक इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक समृद्धि पर सामूहिक रूप से आधिपत्य होगा। इन राष्ट्रों का अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक समृद्धि पर सामूहिक रूप से आधिपत्य होगा, मतलब ये एक साथ बढ़ेंगी। 40% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्हीं ब्रिक्स देशों की है। 42.58 जो परसेंट है वो पॉपुलेशन है इन देशों की, और 26.6 ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया इन इन राष्ट्रों के पास है, और 23% ऑफ वर्ल्ड GDP इन 2018 है इन राष्ट्रों की, और 14.91 ऑफ IMF कोटा शेयर्स करते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है तो इनका कोटा जो है ये शेयर करते हैं 14.91, और 13.24 ऑफ वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर है इनके पास, इन देशों के पास जो कि ब्रिक्स हैं। तो इसकी अभी वर्चुअल फॉर्मेट हुई थी 2020 में, है ना, शिखर सम्मेलन। अगला पॉइंट इसमें क्या है, ब्रिक्स समूह को उद्देश्य विश्व में शांति सुरक्षा विकास सहयोग को बढ़ावा देना। शांति, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, इसका उद्देश्य मानवता के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। तो याद रखिए, मेंस में आपको लिखना है सकारात्मक प्रभाव डालना और अधिक न्याय संगत निष्पक्ष विश्व का निर्माण करना है। न्याय संगत, जस्टिशिएबल और निष्पक्ष विश्व का निर्माण करना भी है। ब्रिक्स की उपलब्धियां क्या हैं? तो न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स ने बनाई है ना, क्या बनाई है, न्यू डेवलपमेंट। इसे एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की तर्ज पर ब्राजील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सृजित किया गया है। इसे एशियाई बैंक, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है, उसी हिसाब से इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया है ब्राजील में। न्यू डेवलपमेंट बैंक में सर्वाधिक शेयर धारिता चीन की है, तो ये याद रखिए, सबसे सर्वाधिक इसको ऑप्शन ऑप्शन में आ जाएगा, पॉइंट्स लिखे होंगे इसमें से कौन सा सही है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में सर्वाधिक शेयर धारिता चीन की है, इसके पश्चात भारत का स्थान है, फिर दूसरी शेयर धारिता किसकी सबसे ज्यादा है, भारत की है। इस बैंक ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $10 बिलियन का आरक्षित किया है, जबकि निवेश परियोजना का इसका कुल पोर्टफोलियो अब $20 बिलियन से अधिक है। मतलब $10 बिलियन तो आरक्षित किए हैं, लेकिन इसका जो निवेश परियोजना की पोर्टफोलियो है वो $20 बिलियन से अधिक है, इतना हमें जो है टारगेट है। इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ 62 बड़ी परियोजनाएं ब्रिक्स देशों में कार्यान्वित की जा रही है। तो क्षेत्रीय कार्यालयों की जो इसके रीजनल जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी संख्या में वृद्धि है, और 62 नई जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बिग प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर कार्य हो रहा है। या वर्तमान के अरब अमीरात, UAE और फिलीपींस की हैं। इस प्रकार यह बैंक अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रहा है, बात समझ रहे हैं, ये बैंक जो है अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में ब्रिक्स देशों के में से भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। तो ब्रिक्स देशों में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित करने में, और साथ ही भारत NDB द्वारा प्रदत्त ऋणों का अब तक सबसे बड़ा लाभार्थी भी बना हुआ है। तो मतलब ये अपना शेयर भी देता है इसमें, और शेयर सबसे बड़ा लेता भी है भाई, जनसंख्या ही भारत के पास इतनी है, और इतनी भुखमरी, और इतना क्या कहते हैं, इस समय प्रकोप ही COVID-19 का चल रहा है, जो कि चाइना द्वारा प्रदत्त है, चाइना द्वारा दिया गया अभिशाप है। आकस्मिक कोष व्यवस्था देख लेते हैं। आकस्मिक कोष व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA,
तो आकस्मिक कोष व्यवस्था क्या है? पारस्परिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र में योगदान के लिए इस कोष की स्थापना की। किस कोष की स्थापना? आकस्मिक कोष व्यवस्था, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। चिकित्सा सहयोग, चिकित्सा सहयोग कैसे देना है? उफा घोषणा पत्र, तो कौन सा घोषणा पत्र था? याद रखिए, उफा घोषणा पत्र को वर्ष 2015 में सातवें ब्रिक्स सम्मेलन में अपनाया गया। इसमें संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए एक साथ काम करने का समझौता शामिल है। साथ ही वर्ष 2018 में 10वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है। वर्ष 2015 में ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एंड नवप्रवर्तन, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एसटीआई रूपरेखा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इससे इसने वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं को कोविड-19 के विरुद्ध साझी कारगर प्रतिक्रिया देने के लिए आपस में जुड़े रहने और अपने निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से आदान प्रदान करने में भी मदद की है। व्यापार का विस्तार देखिए, मतलब सभी क्षेत्रों में ब्रिक्स जो है कंट्रीज काम कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में अंतर ब्रिक्स निर्यात 45% की वृद्धि हुई है, 45% की वृद्धि हुई है। और ब्रिक्स में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स अंतर ब्रिक्स निर्यात की हिस्सेदारी 7.5%। ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स क्या है देख लेते हैं। ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स क्या है? यह राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली केंद्रीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की दिशा में एक कदम है। ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल केंद्रीय बैंकों के मध्य साइबर खतरों पर सुरक्षा को आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसकी? ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल। अब संबंधित सुर्खियां देख लेते हैं। तो आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स समूह, ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज CJT, हाल ही में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह CJT की प्रथम बैठक आयोजित की गई है। आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की यह बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। ब्रिक्स की इस वर्ष की थीम ब्रिक्स @15 निरंतरता समग्रता सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस थी। भारत ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स CJT 2021 के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें सेवा सांख्यिकी, ब्रिक्स व्यापार मेलों और MSME गोलमेज सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा है। इसके पश्चात अनेक अगला देखते हैं। रूस की क्या निम्नलिखित विषय हैं पर केंद्रित है जो प्रस्तावित प्रस्तुतियां हैं, उनके क्या विषय हैं? तो विषय है रूस की अध्यक्षता में वर्ष 2020 में ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2025 के दस्तावेज पर आधारित कार्य योजना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर ब्रिक्स सहयोग। इसमें विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स रियायत जो ट्रिप्स वेवर है के प्रस्ताव के लिए सहयोग करना, ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए रूपरेखा, गैर प्रशुल्क उपाय नॉन टैरिफ मेजर्स पर प्रस्ताव और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी कार्य प्रणाली, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए सहयोगात्मक रूपरेखा, व्यावसायिक सेवाओं प्रोफेशनल सर्विसेज के सहयोग पर ब्रिक्स की रूपरेखा। तो ये सभी ब्रिक्स के क्या थे? निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित है इसकी अलग प्रस्तुतियां। संबंधित सुर्खी हमने देख लिया कि कहां कहां पे काम करना है। निरंतरता समग्रता सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, और ब्रिक्स भुगतान कार्यबल क्या है? ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स है, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल है, जो भी साइबर खतरे होंगे तो उससे निपटने के लिए ब्रिक्स पर आपस में सहयोग होगा। व्यापार का विस्तार 7.5% से 10% हिस्सेदारी हो गई है ना। फिर ये चिकित्सा सहयोग में काम करेंगे। आकस्मिक कोष व्यवस्था की गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी व्यवस्था की गई है। तो ब्रिक्स का हम यहाँ पे ब्रीफ देख लेंगे। ब्रीफ में क्या है? 2001 आइडिया फर्स्ट साइटेड इन गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट सितंबर 2006, फॉरेन मिनिस्टर मीट इन NYC न्यूयॉर्क सेंटर, ऐसा कुछ। NYC का मतलब क्या देखते हैं?
है ना, 2001 में क्या हुआ है, आइडिया फर्स्ट साइटेड इन गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में इसका आइडिया प्रस्तुत किया गया। फिर जून 2009 में फर्स्ट ऑफिशियल सबमिट इन रशिया, रशिया में पहली सबमिट हुई। और दिसंबर 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका जॉइंस, दिसंबर 2010 में, ये याद रखिए दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। तो ये हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगला हम आसियान भारत सम्मेलन, शिखर सम्मेलन के बारे में भी देख लेते हैं। तो आसियान 17वां है, ये 17th है एशियन इंडिया समिट, सुर्खियों में क्यों है, क्यों है, इसीलिए है, हाल ही में 17th आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल, आभासी रूप से, सभी वर्चुअल हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण। इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या थे, COVID-19 आसियान अनुक्रिया कोष, COVID-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देना इन्हें के योगदान की घोषणा की गई है इन एशियन देशों के द्वारा। भारत और आसियान दोनों ने वर्ष 2021-25 के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। भारत और आसियान दोनों ने नई कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य या नई कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन PAO वर्ष 2010-15 और वर्ष 2016-20 के लिए विगत कार्य योजनाओं के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों पर आधारित है और आसियान भारत और रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त मार्गदर्शन करती है। यह नई कार्य योजना भावी रणनीतियों विभिन्न क्षेत्रों में संभावित भागीदारी को स्पष्ट करती है, संभावित भागीदारी जो भी पॉसिबल पार्टनरशिप होगी उसको स्पष्ट करेगी, जिनमें राजनीतिक सहयोग, समुद्री सहयोग, अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद का मुकाबला, काउंटर टेररिज्म जिसे कहते हैं, व्यापार तथा निवेश, परिवहन, कृषि एवं वानिकी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, सूचना और प्रसारण, सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल है। तो इन पर जो भी पार्टनरशिप हो सकेगी पॉसिबल वो की जाएगी। आसियान और भारत में मध्य व्यापक भौतिक और डिजिटल संपर्क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु आसियान संपर्कता कनेक्टिविटी को सहयोग प्रदान करने के लिए $1 बिलियन ने अपने लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रस्ताव को दोहराया है। दोनों पक्षों ने इस समय समझौते को व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल और अधिक सरल, व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए चर्चाएं भी की हैं। अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, है ना, यह 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यथा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम का एक अंतर सरकारी संगठन है, है ना। एशियन जो है, एशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, एशियन जो है वो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम का एक अंतर सरकारी संगठन है और इसमें भारत के साथ, इस जो संगठन है इसने भारत के साथ जो कुछ चर्चाएं की हैं सहयोग पर, इसका हम पढ़ रहे थे अभी तक। तो एशियन मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं इस फिगर में देख लेते हैं। देखिए, ये जितने भी पड़ोस के देश हैं टापू की तरीके से, जो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना अपना व्यापार करता है, ये उन्हीं के आसपास के जितने भी देश हैं वो हैं। और ये भारत के बॉर्डर से लगा हुआ यहाँ पर म्यांमार है, उसके बाद उसी से लगा हुआ थाईलैंड है, उसी से अगला लगा हुआ लाओस है, उसी लाओस के नीचे नीचे कंबोडिया है, है ना, उसी से आगे वियतनाम है। तो ये पांच जो राष्ट्र हैं ये लगे ही लगे हैं, जो लाइन से क्या है, म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद ऊपर आ जाता है लाओस, और उसके नीचे आता है कंबोडिया, और उसके आगे आता है वियतनाम। तो MTLCV ऐसे करके पढ़ सकते हैं, MTLCV ये जो है ये तो बिल्कुल लगे लगे हैं। उसके नीचे क्या आ जाता है आपका, मलेशिया, नीचे क्या आता है, मलेशिया है, मलेशिया के नीचे आ जाता है सिंगापुर, ये भी एक कंट्री ही है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पूरा जितना भी ये द्वीप है उनका पूरा समूह है, उसके ऊपर यहाँ पे मलेशिया आ जाता है, है ना, उसी के ऊपर मलेशिया, ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर, ये छोटा सा टापू है, उसके बाद इंडोनेशिया, ये इतना बड़ा है पूरा, फिर मलेशिया इसमें आ जाता है। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए,
कहा था भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।